नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिबांग और उसको देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ और अब से होपफुली रेगुलरली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा रिगार्डिंग बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो मैं बनाऊँगा आज के दिन में, ये होगी कल की डेट में गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने 43 और ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें कि एक मेजर ऐप है रिगार्डिंग। अगर मैं इस चैनल से बात करूँ तो इस चैनल पे हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ, आप जानते ही होंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। तो अली एक्सप्रेस जो है वो एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि चाइना के बाहर चीज़ों को डिलीवर करता है। अगर आप उनकी वेबसाइट से परचेस करते हैं तो वो वेबसाइट भी कल उन 43 ऐप्स के लिस्ट में था जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, अंडर सेक्शन 63 आई गेस, सोवेनिटी वाला एक्ट जो था, जिसके अंडर में गवर्नमेंट ने इससे पहले भी 152 ऐप्स और फिर 53 या 52 ऐप्स को दो बार ही पिछले जून से ही बैन कर रहे हैं। तो ये जो कल की डेट में 43 ऐप्स बैन हुए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था अली एक्सप्रेस। और अली एक्सप्रेस के बारे में, अगर आप अली एक्सप्रेस से परचेस करते थे या अब तक परचेस करते थे या परचेस करने का प्लान कर रहे थे या आप ऑलरेडी परचेस कर रहे थे, तो ये वेबसाइट इंडिया में नहीं चल रही, मैं आपको बता दूं। इसका डोमेन कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया इंडिया में, मैंने ट्राई किया था देखने का तो वो चल नहीं रहा। तो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि चलिए अगर ये बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो क्या आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं वाया, अगर आप VPN से खोल भी लेते हैं, किसी VPN के थ्रू इनकी वेबसाइट को खोल लेते हैं और वहाँ से कोई ऑर्डर आता है, तो क्या कोई दिक्कत आ सकती है? मुझे नहीं लगता कि एज सच अभी कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि सिर्फ वेबसाइट को बैन किया गया है, किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को या किसी लॉजिस्टिक्स को या किसी सप्लाई चेन को नहीं बैन किया गया है। अगर आप, क्योंकि अली एक्सप्रेस में जो है, वहाँ पे अली एक्सप्रेस कुछ नहीं बेचता, वो छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं, छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और वो बेचते हैं। वो अगर आप अली एक्सप्रेस को बीच में पिक्चर में से हटा दें तो आप डायरेक्टली सप्लायर से भी बाय कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी बाय कर रहे हैं, और अली एक्सप्रेस के थ्रू भी आप किसी सप्लायर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप अली एक्सप्रेस से, अलीबाबा से, किसी भी इंटरनेशनल चाइनीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट से बाय कर रहे हैं या बाय करते थे, तो वो आप अभी भी कर सकते हैं। बस मुझे नहीं पता कि वहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि मैं कार्गो में डील करता हूँ, तो कुरियर में जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें अली एक्सप्रेस का नाम लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, मेरे को नहीं लगता लिखा होता है। तो नहीं लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना से ट्रेड चल रहा है, प्रॉपरली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सच। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं चाहता था कि कवर कर लूँ, बहुत दिनों बाद मैंने चैनल को ऑन किया है। तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा रेगुलरली। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि ग्लोबल व्यापार के नाम से ही है, मैं वहाँ पर रोज़ छोटे छोटे वीडियोज़ डालता रहूँगा रिलेटेड टू न्यूज़ एंड अदर अपडेट्स।